हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अज ईटीटी 5994 का जिहड़ा फ्री वेच है उस दे साइंस दी दूजा पार्ट गति आपां स्टार्ट कर रहे हैं अते ए इस दा फस्ट लैक्चर है। ठीक है, साउंड मैं पूरा कंप्लीट कर चुकिया हाँ, उस दी पीडीएफ अते लैक्चर जिहड़े अपलोड किए जा चुके हैं, जेकर तुसीं नहीं वेखे तां ओह तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके वेख सकते हो। ठीक है, चलो ज़्यादा समय नहीं गवाउंदे होए अज आपां स्टार्ट कर रहे हाँ चैप्टर गति दा पहला क्वेश्चन। इस विच मैं कि तुहानू जिहड़े सारे कंसैप्ट ने वो एम सी क्यूज़ की सहायता नाल क्लीयर करा। ठीक, सब तो पहला एक ही पूछ रहे ने मूल बिंदु किस उपयोग विच आउंदा है। हुण समझ लो, कोई भी गति कर रही, कोई भी वस्तु जिहड़ी है गति कर रही है, उस दी गति नू अते उस दी स्थिति दा अंदाजा लाउण लई आपां एक मूल बिंदु डिसाइड करते हैं। जिवें कि मैं मान लिया एक पॉइंट ए है अते इस तों कोई चीज़ गति कर रही है सीधी रेखा विच, ते वो चलदी चलदी पॉइंट बी तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ए पॉइंट तो वो स्टार्ट हो गई अते बी तक वो पहुँच रही है, तो ये इस दी स्थिति ये आपां की कर रहे हैं, ए इत्थों लेके बी तक पहुँच गई है। ठीक है, जिहड़ा ए है उसनों आपां मूल बिंदु क्या है, वो बिंदु जिथों कोई चीज़ गति करनी आरंभ करती है किसी स्पेशल डायरेक्शन विच। ठीक है, इसलिए आपां कह सकते हाँ कि मूल बिंदु का उपयोग जिहड़ा है आपां करते हाँ किसी वस्तु की स्थिति का अंदाजा लाने लई। ठीक है, वो कितों स्टार्ट हुई, ठीक है, तो किहड़ी दिशा वल जा रही है, ये सारी जानकारी आपां मूल बिंदु तो मिलती है। ठीक है, तो आपां कह सकते हाँ कि मूल बिंदु की स्थिति दर्शाने लई की कहिंदे हाँ, मूल बिंदु स्थिति लिखा हुआ है, यह गलत है भी फस्ट, जे स्थिति लिखा होता तो ठीक है, वस्तु की गति को दर्शाने लई आपां मूल बिंदु का उपयोग करते हाँ। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, पार का अंदाजा भी नहीं ला सकते, आकार का अंदाजा भी नहीं ला सकते, सिर्फ आपां उस दी गति दी स्थिति का अंदाजा लगाने लई मूल बिंदु का उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है, हुण आपां गल करांगे इस लैक्चर विच विस्थापन अते दूरी तो, विस्थापन अते दूरी ते। ये पूरा लैक्चर इन्हां दोनों कंसैप्ट नूं ही डिसाइड करेगा कि इन्हां दोनों कंसैप्टां विच आखिर की है। ठीक है, चलो हुण आपां एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हाँ विस्थापन तो की भाव है इस बारे। ठीक है, कोई एक मूल बिंदु ए है, इत्थों कोई वस्तु स्टार्ट कीती चलना अते वह पहला बी तक पहुँची, बी तो सी तक पहुँची, अते फिर इन्हां दोवां दे विचाले इह ते 30 किलोमीटर का फासला सी अते इह 20 किलोमीटर का फासला सी, हुण उत्थे वह सी तो वापिस की आ गई, बी ते आके रुक गई, इत्थे इह स्टॉप हो गई, ये अंत बिंदु है जिथे वो रुक गई। ठीक है, जेकर आप गल करिए दूरी की, ठीक है, दूरी की जेकर आप गल करिए दूरी वो है जिहड़ी कुल दूरी उन्हें तय की है, दूरी का मतलब है कुल तय की दूरी आप इस कंसीडर करा तो दूरी कितनी होएगी, पहला 30 किलोमीटर, फिर वह 20 किलोमीटर चली की लिखांगे 30 प्लस 20 अते फिर वो सी पॉइंट तो बी तक गई, फिर भी किन्ने किलोमीटर होगी जी, ये होगी जी 40 ते 30 70 किलोमीटर। तो जेकर आप दूरी की गल करते हाँ तो दूरी टोटल किन्नी होगी 70 किलोमीटर। ओके, हुण आप गल करांगे विस्थापन की। विस्थापन का भाव है कि वो छोटी तो छोटी दूरी जो मूल बिंदु तो लेके अंत बिंदु विचकार हैगी है। ठीक है, आ अंत बिंदु है, आ मूल बिंदु है। ठीक है, इन्हां दोनों विचकार जिहड़ी घट तो घट दूरी है उसनों आपां विस्थापन कहिंदे आ, वी उह किन्ना विस्थापित हुई है एक थां तो दूजी थां तक। तो आप विस्थापित वेखिए तो ए तो वह बी तक गई, तो इस विच घट तो घट दूरी है सीधी सरल रेखा विच होएगी, तो किन्नी हैगी है जी, विस्थापन किन्ना है, इन्दे विच विस्थापन है जी 30 किलोमीटर। होप सो तुहानूं इह पूरा तो पूरा कंसैप्ट बड़ी चंगी तरह समझ विच आ गया होना। ठीक है, दूरी की है, दूरी वो है कि जिन्ना तुसीं कदम चले हो उन्हां विचकार टोटल दूरी माप के आपां लिख देनी है। ठीक है, तो ये होंदा की है, वेखो दूरी की है, दूरी होंदा कुल दूरी, कुल तय कीती दूरी, बट विस्थापन विच की होंदा है, विस्थापन जिहड़ी है ये सकारात्मक दूरी
प्लस माइनस नकारात्मक दूरी कहने का की भाव है, नकारात्मक दूरी तो की भाव है। देखो पहला ए ए तो बी तक गई, फिर बी तो सी तक गई, ए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन विच सी, सिर्फ इस डायरेक्शन विच ए होगी सकारात्मक। हुण ये वापिस उल्टी डायरेक्शन विच चल पई तो ए होगी नकारात्मक, तो सकारात्मक किन्नी हुई सी 30 प्लस 20, फिर नकारात्मक यानी कि माइनस 20 ये कट्टी गई तो किन्नी रहेगी 30 किलोमीटर। होप सो तुहानू पूरा का पूरा कंसैप्ट समझ विच आ गया होना, ठीक है। नकारात्मक दूरी ते माइनस सकारात्मक सकारात्मक दूरी माइनस नकारात्मक दूरी, अते इसनू आपां कहिंदे हां विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन लई दिशा का बहुत इंपोर्टेंट योगदान है, दिशा का योगदान होंदा है, इस करके इसनू सदिश इकाई भी कहा जाता है, सदिश यूनिट, इसनू सदिश क्वांटिटी भी कहा जाता है। ओके, होप सो तुहानू ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होना। चलो हुण ये कंसैप्ट तां तुहानू समझ में आ गया, अते ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इस उते तुसी इंपोर्टेंट मार्क कर लो। हुण वेखो आंसर की है, वस्तु की पहली अते अंतम स्थिति विचकार सब तो छोटी दूरी, बिल्कुल मूल बिंदु पहली अते अंतिम बिंदु विचकार सब तो छोटी दूरी की कौंदी है जी, विस्थापन कौंदी है। वस्तु की पहली अते अंतिम स्थिति विचकार सब तो वध दूरी, इसनों आप दूरी कहते हैं, वस्तु द्वारा कुल तय की दूरी ये दूरी होंगी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इन्हों में कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर तो समझ में आ गया हूँ। चलो अगे बढ़ते हाँ, कि गति कर रही वस्तु का विस्थापन जीरो हो सकता है, दसो जी, क्योंकि मैं तुम्हें हमने दसिया है विस्थापन की होंगे जी, विस्थापन विस्थापन जोड़ा है वह होंगे है सकारात्मक दूरी ते माइनस नकारात्मक दूरी, ठीक है। हुण ये जीरो कदों होएगी, जदों सकारात्मक ते नकारात्मक दोनों बराबर होण। कहने का भाव की है, कोई मूल बिंदु ए तो बी तक जा गई तो उन्हां विचकार दूरी 70 किलोमीटर है, पहला ए तो बी तक गई तो किन्नी होगी 70 किलोमीटर, फिर बी तो वापिस ए तक अपने मूल बिंदु ते आ गई तो माइनस 70 किन्ना हो गया जी, जीरो, ठीक है। तो इस वस्तु का विस्थापन जीरो है, क्योंकि उस तो विस्थापित हो ही नहीं, वो वापिस अपनी मूल बिंदु ते आ गई है, मूल स्थान ते आ गई है, तो करके आप कह सकते हाँ कि विस्थापन जोड़ा है वह जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन भी हो सकता है, भी हो भी सकता है तो नहीं भी, बिल्कुल नहीं भी हो सकता तो हो भी सकता है, पर इन्होंने एग्जैक्ट पूछा था, एग्जैक्ट का आंसर क्या आएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट वेखो, कि गति कर रही वस्तु द्वारा तय की दूरी जीरो हो सकती है, क्योंकि आपां नूं पता है गति दूरी जड़ी की है, दूरी होंदी है कुल तय की दूरी, तो ये हमेशा की होंदी है सकारात्मक होंदी है, ये कदे भी नैगेटिव विच नहीं हो सकती। एक गल होर वेखो, विस्थापन जड़ा है ये नैगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, ये पॉइंट भी तुसी नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नकारात्मक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 70 तो बाद जेकर 20 किलोमीटर चल गई तो इनकी किन्नी होएगी, माइनस 20 किलोमीटर विस्थापन होएगा, उल्टी दिशा विच माइनस च पहुँच जाएगा, ठीक है। चलो अगे देखो जी, तो ये जो तय की दूरी है हमेशा सकारात्मक होंगी है, तो जेकर सकारात्मक होंगी है तो कदे भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनका आंसर है नहीं, ये कदे भी जीरो नहीं हो सकती। अते दूरी की है ए दिस क्वांटिटी है, इस दिशा का कोई रोल नहीं, ओके। चलो अगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक किसान 10 मीटर की पूजा वाले एक वर्गाकार खेत, आ वर्गाकार खेत है मान लो, ठीक है, ये मूल बिंदु है ए, ए भी 10 मीटर, ए भी 10 मीटर, ए भी 10 मीटर, अते ए 10 मीटर, ठीक है। वर्गाकार खेत की सीमा ते 40 सेकेंड विच एक चक्कर लगाउंदा है, 40 सेकेंड विच 40 मीटर चलता है, ठीक है, 40 सेकेंड विच 40 मीटर, क्योंकि टोटल 40 मीटर होगी तो 40 सेकेंड विच 40 मीटर चल गया, ठीक है। 2 मिनट अते 20 सेकेंड बाद किसान दे विस्थापन की मात्रा किन्नी होवेगी, संख्यात्मक मान पूछे विस्थापन का, ठीक है। तो वेखो किन्ना होएगा विस्थापन, किन्ना होएगा वेखो, 2 मिनट का की हो गया 120 सेकेंड प्लस 20 और कर दियो 140 सेकेंड हो गए, अगले 40 सेकेंड से किन्ना होएगा विस्थापन 40 मीटर, फिर अगले 40 सेकेंड से 40 मीटर,
फिर अगले 20 सेकेंड से 20 मीटर उन्हें 40 40 वाले तक कट दियो तुसी, क्योंकि 40 ते आन तो बाद वापिस ए ते आ जाएगा, फिर ए ते आ जाएगा, फिर ए ते आ जाएगा, उस तो बाद इनका विस्थापन किन्ना होएगा देख, ए 10 ते ए 10 इत्थे पहुँच गया सी। ठीक है, जेकर आपां इहदा मान वेखिए तां ए दूरी जिहड़ी हैगी है इसका विस्थापन है ए तो सी तक। ठीक है, ए तो सी तक इसका विस्थापन है, तो विस्थापन कढ लो पाइथागोरस थ्योरम नाल, पाइथागोरस थ्योरम लावांगे तो आप 10√2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 की स्केयर प्लस 10 की स्केयर रूट किन्ना होएगा 100 प्लस 100 रूट इक्वल टू 100 10√2 इसका आंसर है, 10√2 मीटर इसका आंसर है। होप सो तुहानू ये क्वेश्चन भी बड़ी चंगी तरह समझ में आ गया होना। चलो अगे वधदे हां, विस्थापन लई हेठ लिखे विचों केड़ा कथन सही है यह दसना आपां नूं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। वेखो की है, विस्थापन लई हेठ लिखे, ए सिफर नहीं हो सकता, गलत, ए सिफर हो सकता है, इसकी मात्रा वस्तु द्वारा तय की दूरी तो ज़्यादा होंगी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपां नूं पता है कि तय की दूरी दे बराबर जां घट होंगी है, बिल्कुल इसकी मात्रा वस्तु दी द्वारा तय की दूरी तो घट जा उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, जिवें मान लो ए तो कोई पॉइंट बी तक गया तो 30 किलोमीटर दूरी सी, तो इनका विस्थापन भी 30 किलोमीटर हो गया तो दूरी भी 30 किलोमीटर हो गई, पर जेकर वह बी तो वापिस सी तक आके रुकता है तो सी 10 किलोमीटर मान लीए आप, इनकी दूरी कितनी होगी, दूरी तो होगी 40 किलोमीटर, तो विस्थापन इनका की हो गया जी 20 किलोमीटर। ठीक है, या तो यह उसके बराबर होएगा या उस तो घट होएगा, यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना जी तुसी। चलो अगे वधदे हां जी, सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है जी, विस्थापन अते दूरी विच अंतर दसो। मैं तुहानू ये अंतर पूरे दे पूरे लिखा रहा जी, एक एक करके तुसी ये सारे वेख लिया जी। ठीक है, मैं पूरा का पूरा लिख के एक्सप्लेन कर रहा हाँ चंगी तरह। ठीक है, थोड़ा जहा टाइम लग रहा है, मैं माफ कर जी इस वास्ते। चलो जी, इतने आप लिख रहे हैं दूरी, इतने लिख रहे हैं विस्थापन। दूरी ये की होंगे जी, दूरी सकारात्मक होंगी है, हमेशा सकारात्मक, तो ये सकारात्मक जीरो ते नकारात्मक तीनों हो सकती हैं, जीरो नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। दूरी की होंगी है कुल तय की दूरी, तो इस विच की लिखांगे आपां, विस्थापन की होंदा जी सकारात्मक एक दिशा विच माइनस नकारात्मक, ए दिस होंदी है दिशा, इस विच कोई कम नहीं करती, तो ये दिस क्वांटिटी है, दूरी विस्थापन दे बराबर जां ज्यादा होएगी, विस्थापन जेड़ा है दूरी दे बराबर जां घट होएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जेड़े है मैं कंसीडर कर दिते इस विच, होप सो तुहानू ये सारे बड़ी चंगी तरह समझ विच आ गए होने। ठीक है जी, चलो एक अद्धा पॉइंट कोई होर रह गया तां भी वेख लैने आपां। हाँ, दूरी जेड़ी होंदी है वह कुल दे बराबर होंदी है, अते जेड़ा विस्थापन होंदा है वह घट तो घट, विस्थापन जिहड़ा है घट तो घट दूरी होंदी है, दो पॉइंट्स दे विचों मूल बिंदु ते अंतिम बिंदु
ठीक है जी। चलो हुण तुहानू बड़ी चंगी तरह क्लीयर हो गया होना दूरी अते विस्थापन का पूरा कंसैप्ट। ठीक है, चलो मैं इसनू थोड़ा जिहा सैट कर देना जी। ओके आलो जी, चलो अगे बढ़ते हाँ। समान गति किसनू आखते हैं? समान गति का की मतलब है जी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब की होंगे है जी? जदों समाल समान समय विच समान दूरी तय करे। एग्जाम्पल वेखो, तुहानू मैं इत्थे समझा देना इन। पहले 10 मिनट विच 10 किलोमीटर, अगले 10 मिनट विच 10 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट विच 10 किलोमीटर। यानी कि यह जड़ी दूरी होंदी है समान समय अंतराल विच समान तय की दूरी नू समान गति आखते हैं। की है? जदों वस्तु बराबर समय अंतराल विच बराबर दूरी तय करे, बिल्कुल सही। जदों वस्तु बराबर समय अंतराल विच बराबर दूरी तय ना करे, गलत। जदों वस्तु असमान समय अंतराल विच समान दूरी तय करे, गलत। नैक्सट वेखो जी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सैकेंड विच अते दुबारा 16 मीटर की दूरी 2 सैकेंड विच तय करती है, इसकी औसत चाल की होगी? हुण वेखो जी, औसत चाल की होंदी है? औसत चाल जड़ी है वह होंदी है जी कुल तय की दूरी ते बटा विच कुल समा। ठीक है, कुल तय की दूरी कितनी है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ते टाइम इन्हों कि लग्या? 6 सैकेंड। कि होया जी? 32/6 कट दौ 3 16 5 15 3 3 5.3 मीटर पर सैकेंड इनकी की है एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल है। गति की दर का मापन पैमाना की है? बिल्कुल चाल, तापमान तो नहीं, समा भी नहीं, दूरी भी नहीं, चाल की है। गति की दर का पैमाना है, इंपोर्टेंट है जी क्वेश्चन। ठीक, जेकर तुसी मेरे चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर करिया जी। तो अज दे लई इन्ना ही, आपां मिलदे आं नैक्सट वीडियो 'च। धन्यवाद, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो।